परिवर्तन यात्रा चल रही है, 50 से ज्यादा विधानसभा में जा चुकी है, अब जिला फतेहाबाद मेरठिया में खासकर जी। उनका कहना है कि अगली सरकार हरियाणा में जो है इनेलो की आएगी। देखिए ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि रतिया जो है इसको मैं अपना जो मेरी कर्म भूमि मैं मानती हूं कि जहां से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, और अगर आप लोगों को याद हो तो 2014 के अंदर सिर्फ 15 से 17 दिन मुझे मिले थे यहाँ पर इन लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखने के लिए, और उसमें भी यहाँ की जनता ने जिस तरह का प्यार जिस तरह का स्नेह जो है वो दिया था मुझे, 50,500 वोट मिली थी। और कहते हैं कि INLD जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले नंबर की सीट अगर कोई है तो रतिया है। उस समय में आप लोगों को मालूम हो कि सिर्फ 435 वोट से मैं जीत नहीं पाई थी ये सीट, और उसके बाद 2019 के अंदर हमारे यहाँ से लक्ष्मण नापा जी हैं जो विधायक बने। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप ये देखें कि एलनाबाद की जो एकमात्र सीट INLD के पास है उसमें जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ के विधायक जो हैं वो जो पहले वाला मार्जिन था उससे भी बहुत ज़्यादा उनका मार्जिन घट गया। तो इससे ये पता लगता है कि जनता के अंदर जो है वो INLD का कितना रुझान है, कितना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रुझान है, ये सब जो है इन सब चीज़ों से इस साफ साफ के अंक गणित से साफ पता लगता है। एक JJP और BJP में थोड़ी सी तकरारबाजी चल रही है, सुना है गठबंधन टूट सकता है, इसको लेकर क्या मानना है? देखिए ऐसा है कि कोई किसी तरह की कोई तकरारबाजी नहीं है। गठबंधन जो है वो सरकार के लिए जो है वो एक उसके हिसाब से गठबंधन बनाया गया था। हमारा गठबंधन जो है वो चुनाव से पहले नहीं था, हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और इसी तरह से JJP पार्टी ने भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो आगे जो है गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, चुनाव से पहले रहेगा, चुनाव के बाद रहेगा, जो भी कोई स्थिति होगी इसके बारे में निर्णय लेना जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने लेना है। चाहे इसके अंदर हम जो है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की बात करें, वो सब लोग मिलकर, और इसके साथ साथ जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है जिसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे प्रभारी जी भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे संगठन मंत्री जी भी हैं, वो सब मिलके इसके बारे में निर्णय करेंगे। प्रभारी जी तो साफ साफ कह चुके हैं BJP अपने दम पे लड़ेगी, गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं। देखिए ऐसा है कि प्रभारी जी जो कह रहे हैं, प्रभारी जी जो हैं हम सबके इस जो पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश है इसके अभिभावक हैं। प्रभारी जी जो कह रहे हैं तो उनकी बातों का कोई मायना है? सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।